बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि एक जोर के धमाके की आवाज हुई। वह भयभीत हो उठा और चीखने लगा, कहीं सचमुच धरती तो नहीं फट रही। भागो, धरती फट रही है, भागो, धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए पागल की तरह इधर उधर भागने लगा। लेकिन उस गधे को इस तरह से भागते हुए देख एक दूसरे गधे ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो। भागो, धरती फट रही है, भागो, धरती फट रही है, भागो, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वो भागता ही रहा। यह सुनकर वह दूसरा गधा घबरा गया और वह भी भागने लगा। अब तो वह दोनों भी चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, भागो, धरती फट रही है, भागो, धरती फट रही है, भागो, धरती फट रही है। उन धों को इस तरह भागता हुआ देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और जल्दी सबको पता चल गया कि धरती फटने वाली है। चारों तरफ जानवरों के चीख की पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े, बैल उसी झुंड में शामिल होके आगे भागने लगे। जंगल में मचे इस हल्ले को सून जंगल का राजा शेर भी अपने गुफा में विश्राम कर रहा बाहर आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछल कर सबके सामने आ गया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है, और कहां जा रहे हो तुम सब के सब। महाराज, हमारी मानो तो आप भी अपनी जान बचा के बाहर चलो। क्या बकवास कर रहा है तू खरगोश के बच्चे। ये खरगोश सच ही कह रहा है महाराज, जमीन फट रही है, आप भी भागो यहाँ से जल्दी से। बेवकूफ, ये तुमसे किसने कहा। तू ये बात इस जेब्रा से ही सुनी थी। भाई मैंने नहीं देखा, मैंने तो ये बात इस बैल से सुनी थी। महाराज, मैंने भी खुद नहीं देखा था, मैंने भी ये बात कहीं से सुनी थी। आ गया और गधा डरते डरते आगे आ गया। अच्छा, तो तुमने देखा धरती को फटते हुए। मैं जंगल का राजा होने के नाते किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे नहीं महाराज, वहां तो मैं बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तुम्हारे ऊपर मुझे धरती फटने की आवाज आई थी। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, चलो दिखाओ वो जगह मुझे। सभी जानवर उस गधे के पीछे पीछे चलने लगे। इस गधे की बात अगर झूठ निकली तो मां कसम इसकी जान ले लूंगी मैं। सुन रहे हो दोस्त, ये छिपकली की बच्ची अब उस गधे की जान लेने की बात कर रही है। ये छिपकलियां ना काफी मजाकिया होती है। सभी जानवरों ने वहां जाकर देखा तो हैरान रह गए। वही पास में एक नारियल का पेड़ था और उसी पेड़ से एक नारियल गिरकर आवाज आई और उसी आवाज से गधा डर कर भाग रहा था और वह समझ रहा था कि धरती ही फट गई है। सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन सभी ने प्रण किया कि आगे से ऐसे ही किसी भी अफवाह पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे समाज में भी कुछ लोग होते हैं जो बिना कुछ जाने कुछ भी तर्क लगा लेते हैं। आप भी ऐसे लोगों पर यकीन ना करें और बात की सच्चाई को समझें।